और एहतसाब अदालत ने लाहौर पार्किंग कंपनी केस में नामजद लीगी रहनुमा हाफिज नोमान को बरी करने का हुक्म दे दिया है। अदालत का कहना है कि लाहौर पार्किंग कंपनी का केस नैब के दायरे अख्तियार में नहीं आता। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए लीगी रहनुमा हाफिज नोमान, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ताहिर अहमद और उस्मान कयूम को बरी कर दिया। अदालत ने तीनों मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया है। एहतसाब अदालत का कहना था कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत लाहौर पार्किंग कंपनी का केस सुनने का कोई जवाब नहीं बनता। तीनों मुल्जमान को अदालत बरी करने का हुक्म देती है। नैब रेफरेंस से तीनों मुल्जमान पर 8 करोड़ रुपए खुद बुर्ज करने का इल्जाम आयद किया गया था। हाफिज नोमान को नैब हुकाम ने 28 नवम्बर 2018 को गिरफ्तार किया था, जबकि हाफिज नोमान की दरखास्त जमानत बाद अब गिरफ्तारी 2019 में मंजूर की गयी थी। हाफिज नोमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि बेकसूर था, जो आज अदालत से साबित हो गया है। साथ देने वाले दोस्तों का भी मशकूर हूँ।